आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हमने होटल से अपने चेकआउट कर चुका हूँ मैं, रेगा मैंशन से। अभी हम जाएंगे TBS टर्मिनल बरसपान साडू, जहाँ से मेरी बस है सिंगापुर के लिए। यहाँ से मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा KTM स्टेशन। तो अभी देखता हूँ मैं, मैंने मैप में भी देखा है, वैसे यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 700 मीटर है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 से 7 मिनट लगेंगे। और जो मेरी बस है वो है 12:30 बजे, अभी अप्रॉक्सीमेटली हो रहे हैं 11, तो अभी मेरे पास 1.5 घंटा है। और जो टिकट थी उसमें प्रॉपर लिखा हुआ था कि कम से कम 1/2 आवर, आधा घंटा पहले पहुँचे। अभी पहले मैं ऐसे करता हूँ, KTM स्टेशन पहुँचता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ TBS टर्मिनल बरसपाडू सिलापान। ये मेरी टिकट है बस की, और गेट नंबर 13 है मेरा, तो उसके ऊपर ही गेट नंबर। जब आप TBS में एंटर करोगे, एंटर करते ही वहाँ पे काउंटर बने होते हैं, वहाँ काउंटर पे जाके उनको अपनी जो बुकिंग होती है वो दिखा दो, तो वो आपको ऐसी टिकट बना के दे देंगे। इस टिकट को लेके आपने, मतलब जो बेसमेंट है, नीचे से सारी बसें जाती हैं, ये सारे इधर उधर गेट बने हुए हैं, तो गेट्स के हिसाब से आपको बस मिलेगी। वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि कितने नंबर गेट पर आपकी बस आ रही है। तो मेरी है स्टार कृष्णा एक्सप्रेस, गेट नंबर 13, सीट नंबर 10, विंडो सीट, जैसे कि मुझे पसंद है। मुझे तो ये था एक्चुअली, मेरा जो 12:30 का टाइम था, 12:30 का, और मैं पहुंचा हूँ यहाँ पे 12:35 पे। मुझे ये था कि मेरी बस छूट गई है, मैं तो रेस्टोरेंट में बैठ गया था, मैंने कहा खाना वहीं पे खा लेता हूँ जो मेट्रो स्टेशन था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं वहाँ पे एक बार जाके देखूँ तो कोई शायद मिली जाए। तो मैं यहाँ पे जब मैं आया, और कुदरती यही वाली बस भी डिले है, किस्मत से बच गए। यहीं पे सामने रेस्टोरेंट था, यहीं से कुछ खाने के लिए ले लिया मैंने, बर्गर ले लिया, चिकन बर्गर, और साथ में रेडबुल पी, उससे थोड़ी सी एनर्जी आई, मैं तो थक गया था पूरा। तभी मैं बस में बैठ चुका हूँ, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट हुआ मुझे बैठे हुए, और यहाँ ये था मेरा गेट नंबर 13। यहाँ से ये बस देखो, रिक्लाइनर सीट्स हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 20 से 25 सीट्स हैं पूरी बस में। बहुत अच्छी, मतलब है, कंफर्टेबल है पूरी। जस्ट एक लाइन में सिर्फ 3 सीट्स हैं, यू कैन सी 2 एंड, और मेरी साइड में सिंगल सीट है। चलो अभी फिर सिंगापुर जाके मिलते हैं। मुझे ये था कि चलो एक बार मैं बस का रिव्यू भी दिखा दूँ। अप्रॉक्सीमेटली 7:15 बज चुके हैं, और अभी हम हैं जस्ट सिंगापुर जो बॉर्डर है, लैंड बॉर्डर, उससे अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर बैक। सो यहाँ पे बस रुकी थी, अभी बस चलने वाली है, तो मैं जल्दी दिखाता हूँ आपको। यहाँ वॉशरूम के लिए रास्ते में कम से कम 2 से 3 बार बस रुकती है। तो अभी हम सिंगापुर सिटी में आ गए हैं, और देख रहा था मैं यहाँ पे MRT का मैप, यहाँ पे काफ़ी ऑप्शंस हैं ट्रांसपोर्टेशन की। लाइक सिंगापुर के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक हर एक तरह की सुविधा आपको मिल जाएगी, बस की भी, मेट्रो की भी। और आपको मैं टाइमिंग भी बता देता हूँ, और आपको मैप भी दिखाता हूँ। जो MRT का टाइम है, मॉर्निंग 6 बजे सुबह शुरू हो के रात के 11:30 बजे तक MRT चलती है, रात के 12:30 बजे तक चलती है बस।
तो इसलिए रात को थोड़ी दिक्कत हो जाती है यहाँ पे ट्रैवल करने की। जैसे हम थाईलैंड वगैरह में तो आधी रात को भी ट्रैवल कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वो ऐसा सिस्टम नहीं है, थोड़ा सा मतलब टाइम का शेड्यूल है। तो मैं आपको वैसे तो मैप दिखाता हूँ। मैं तो यहाँ है चांगी एयरपोर्ट। अगर आपने एयरपोर्ट से सिटी में आना है, लाइक अगर आपका डेस्टिनेशन होटल डेस्टिनेशन एक तो होती है मरीना बे, बे फ्रंट, और या फिर होती है बुगीज़, ठीक है, और लिटिल इंडिया। और बैकपैकर्स के लिए जो होते हैं उनके लिए लिटिल इंडिया जो है सबसे ज़्यादा फेमस है, इसलिए ज़्यादातर से लोग वहीं पे आते हैं। तो यहाँ से अगर आप मान लीजिए चांगी एयरपोर्ट से इधर आना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ब्लू लाइन लेके और सीधा आपको ये उतारेगी रोचर, जहाँ जलन बेसार, जलन बेसार पे उतर के यहाँ से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस रह जाता है। अगर आप नहीं भी आना चाहते तो यहाँ से आप बाय टैक्सी वगैरह से भी जा सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप एयरपोर्ट से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप ट्रैवल करते हो। मेट्रो का जो मैप है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, MRT मैप, और इसकी एक एप्लीकेशन भी आती है। अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे आपको उसका एक एप्लीकेशन हर एक चीज़ का ज़रूर रखना चाहिए, लाइक मैप हो गया, सिटी मैप हो गया, MRT मैप हो गया, बस शेड्यूल का हो गया। तो ये मान लीजिए अगर आप एक कंट्री में जा रहे हैं तो एक कंट्री के लिए अगर आप 4 से 5 एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है ट्रैवल में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर एयरपोर्ट से सिटी तक ट्रैवल कर रहे हैं तो हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करें। अगर आप बजट में टूर कर रहे हैं तो, अगर आप विद फैमिली हैं, अगर आप 4 से 5 लोग हैं या ग्रुप में हैं तो आपके लिए टैक्सी बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन सिंगल पर्सन के लिए या 2 पर्सन हैं, अगर बैकपैकिंग करना सोच रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है, वहाँ से आप MRT लेके सिटी तक आ सकते हैं। आज मेरा प्लान है सेंटोसा आइलैंड जाने का, और मैं वहाँ पर जाने का आपको एक तरीका बताता हूँ। इस वक्त मैं हूँ लिटिल इंडिया में, ठीक है, लिटिल इंडिया से सीधी जाती है यहाँ पे हार्बर फ्रंट पे MRT, ठीक है। ये MRT का मैप है, इसलिए सिर्फ MRT दिखा रहा है, और MRT के बाद वहाँ से मुझे लेनी पड़ेगी LRT जो स्पेशली सेंटोसा आइलैंड के लिए चलती है। तो उसके लिए एक मेरे पास सिस्टम है, अगर मान लीजिए आप हार्बर फ्रंट जो डेस्टिनेशन वहाँ पे आप रुकते हैं ना, तो हार्बर फ्रंट से बीच स्टेशन तक अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 स्टेशन आते हैं, और जो पहला स्टेशन है हार्बर फ्रंट, अगर वहाँ से आप एंटर होते हो तो आपके $4 लगते हैं अप एंड डाउन के लिए, ठीक है। और अगर आप वहाँ से बाय वॉक 5 मिनट जाके नेक्स्ट जहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियो है, तो वहाँ से अगर आप जाते हो तो आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है वहाँ से LRT, और वहीं से वापस उतर के, क्योंकि व्यू भी बहुत अच्छा है, इसी बहाने आपका घूमना भी हो जाएगा और आपके पैसे भी बचेंगे। बाकी अभी चलते हैं, उधर ही जाना है हमें, आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे करके सारा प्रोसीजर है। Thank you so much, guys. Say something, Jesse J. Welcome down to Grill Fest, everyone. Hope you guys are having a great time.